और अबुधाबी नाइट राइडर्स और डेजर्ट वाइपर्स के बीच में होना था एक जबरदस्त मुकाबला अबुधाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम पर, और इस मुकाबले को देखने के लिए पीयूष शर्मा बहुत ज़्यादा व्याकुल थे और जानना चाहते थे कि आखिर दोनों कप्तान टॉस पर कर क्या रहे हैं। और टॉस पर जब पहुंचे कॉलिन मनरो और दूसरी तरफ सुनील नारायण, ये फैसला किया उन्होंने, सुनील नारायण ने फैसला किया कि वो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करेंगे। क्या आप हैरान थे तब? जी नहीं, अभी तक तो यही देखने को मिला है कि जब भी किसी कप्तान ने टॉस जीता है वो फील्डिंग करने का ही निर्णय लेते हैं, और यहाँ पे अबुधाबी नाइट राइडर्स उन्होंने भी यही निर्णय लिया। उनकी अगर लाइनअप के ऊपर नजर डालें, प्लेइंग 11 पे देखें, आलिशान शर्फू एक खिलाड़ी जो अपनी राह को तलाश रहे हैं, आंड्रेस कॉस एक काफी शानदार बल्लेबाज साबित हुए, 95 रन की एक पारी ऑलरेडी खेल चुके हैं इस कॉम्पिटिशन में, बट सैम हेन लॉरी इवेंस के ऊपर थोड़ी दारोमदार रहेगा, और आंड्रे रसल इनके मसल हमेशा चलते हैं। और देखिए डेजर्ट वाइपर्स जो पहले बल्लेबाजी करने आए इनकी पारी लड़खड़ा गई, कप्तान को पारी को संभालना पड़ा, इसलिए पारी थोड़ी धीमी खेली उन्होंने। कॉलिन मनरो ने उन्होंने बनाए 50-44 गेंदों में, उन्होंने शर्फिन रदरफोर्ड ने थोड़ा बहुत उनका मतलब बाद में जाकर शर्फिन रदरफोर्ड ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, पर पारी कभी भी अपना लय पकड़ नहीं पाया और अंत में मात्र 154 रन बना पाए 8 विकेटों के नुकसान पर अपने 20 ओवर में 13 अतिरिक्त रनों के साथ। और गेंदबाजी पर अगर नजर डालें अबुधाबी नाइट राइडर्स की, इमाद वसीम और आंद्रे रसल ने मिलकर 2-2 विकेट निकाले, और उसी के बदौलत जो है वहां पर अंकुश लगा पाया अबुधाबी नाइट राइडर्स। डेजर्ट वाइपर्स के बल्लेबाजी पर एक नजर डाल देते तो लक्ष्य क्या था यहाँ पर अबुधाबी नाइट राइडर्स के सामने, वो लक्ष्य था 155 रनों का। क्या पूरा कर पाएंगे वो देखेंगे हम जब हम उनका कार्ड देते हैं। अब जब बल्लेबाजी करने आए पीयूष, यहाँ पर बहुत मुश्किल हुई थी यहाँ पर अबुधाबी नाइट राइडर्स को। जी हाँ, मुश्किल जरूर हुई थी। आंड्रेस गाउस आए थे शुरुआत में ही थोड़े अनकंफर्टेबल नजर आए, अंदर आती गेंदों पे इनसाइड एज काफी लग रही थी उनकी, मोहम्मद आमिर के शिकार हुए, बट उससे पहले क्लार्क जो सुपर सब की भूमिका निभा रहे थे, मोहम्मद आमिर के द्वारा रन आउट किया गया, खुद मोहम्मद आमिर गेंद कर रहे थे, आंड्रेस गाउस ने सीधा शॉट खेला था, अंगूठे पे लग के विकेट पे चली गए, रन आउट हुए। हमेशा देखा जाता है कि ऐसे कोई बैट्समैन आउट होता है तो अनलकी माना जाता है, बट आलीशान शर्फू ये ऐसा खिलाड़ी जिनके ऊपर इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, 82 रन बनाए, 47 गेंदों का सामना किया और इस टीम के लिए मैच जिताया। उनकी उनकी जो साझेदारी थी इमाद वसीम के साथ और बाद में आंद्रे रसल के साथ वो भी बेहतरीन थी। बॉलिंग में क्या बात करें, वनिंदो असरंगा जो है उन्होंने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की, कुछ हद तक मोहम्मद आमिर ने भी अच्छी गेंदबाजी की, पर किसी और गेंदबाज ने कोई साथ नहीं दिया, खासतौर पर टिमाल मिल्स और शादाब खान ने आज बहुत निराश किया। उसी का नतीजा है कि 17.2 ओवर में अबुधाबी नाइट राइडर्स ने अपना ये लक्ष्य पार कर लिया, 160 पर पहुंचे 4 विकेटों के नुकसान पर, 6 विकेटों से ये जीत हासिल की। मैच के लेखा जोखा पर अगर नजर डालें, डेजर्ट वाइपर्स ने पहले बल्लेबाजी की, 154 बनाया 8 विकेटों के नुकसान पर, कॉलिन मनरो ने 50, इमाद वसीम ने अच्छी गेंदबाजी की, रसल ने भी अच्छी गेंदबाजी की, और जवाब में अबुधाबी नाइट राइडर्स ने 17.2 ओवर में लक्ष्य पूरा कर लिया। आलिशान शर्फू नाम याद रखना, ये नाम आलिशान नाम है, और नाइट राइडर्स ने 6 विकेटों से जीत हासिल की, और इसका नतीजा ये हुआ है पीयूष कि पॉइंट्स टेबल पर क्या हो रहा है यहाँ पर, अबुधाबी नाइट राइडर्स 6 नंबर से सीधे 3 नंबर पर जा चुका है। जी हाँ, 4 मैचेस उन्होंने खेले, 2 मैचेस वो जीते हैं, 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा, अभी तक तो जो बैलेंस है उन्होंने बना के रखा हुआ है, बट कहीं ना कहीं डेजर्ट वाइपर्स अब वो खतरे की जो रेखा आपको दिख रही है उसके नीचे चले गए हैं, उनको अब यहाँ पे स्टेप अप करने की जरूरत, बिकॉज 3 मैचेस में केवल 1 मैच वो जीत पाए हैं। शारजा वॉरियर्स का हाल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, सिर्फ टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई करेंगी प्लेऑफ्स में और नीचे की 2 टीम्स इस लीग स्टेज के बाद बाहर हो जाएंगी। बिल्कुल, और यहाँ पर इसीलिए ये मुकाबला जबरदस्त जीत हासिल की अबुधाबी नाइट राइडर्स ने 6 विकेटों से, और पॉइंट्स टेबल पर 6 नंबर से छलांग लगाकर 3 नंबर पर पहुंच चुके हैं। We'll be right back.